मना करूं क्या करूं ये तो बताओ। हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार वशिष्ठ। तो आज हम जा रहे हैं एक नई व्हीकल की डिलीवरी लेने के लिए। व्हीकल शायद आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो अभी हम यहां से सीधा जाएंगे जुलेना, वहां से एक फ्रेंड को पिक करना है जिसका वो व्हीकल है। तो अभी तो हम अपनी सिट्रोन C3 में ही हैं, पर लौट के आएंगे उस नए व्हीकल में। तो काफ़ी कुछ नया है, वो व्हीकल भी अभी नया है इंडिया में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो होगा। तो फिलहाल तो अभी हम दिल्ली जा रहे हैं जुलेना, जहाँ से मुझे अभी एक अपनी फ्रेंड को पिक करना है। उसके बाद हम जिस फ्रेंड का वो व्हीकल है उसको पिक करेंगे, फिर वहाँ पे हम लेने जाएंगे। वो मुझे पता नहीं कहाँ पे शोरूम है उसका, शोरूम का नाम अभी नहीं बताऊँगा मैं। वो शायद आपने देख लिया होगा कौन से कंपनी का शोरूम है, थंबनेल में ही देख लिया होगा आपने। स्पीड कम होगी रिवर्स की। इससे है ब्रेक, इससे है स्पोर्ट मोड पे है ये नॉर्मल, और स्पोर्ट भी है। हाँ, इसको 3 सेकंड तक दबा के रखेगा उड़ने लगेगा। इको नॉर्मल, रेंज कहाँ दिखा रहा है? रेंज इधर है 70 पे दिखाएगा, नॉर्मल पे चला के लेगा। यहाँ से फुल चार्ज करके नहीं देते क्या ये? 70 पे देते हैं। ये कौन सी लिस्ट है, तेरे फोन की है? और इसमें होम होम सेट कैसे करना है, होम वर्क तो अभी क्या लेने आए हम? बहुत साल पहले हमारे पास एक ऐसे ही था टूशी, वो मच्छर मरने वाला था, घर में लगा देते थे मच्छर, उसमें मच्छर आता नहीं था लेकिन यहाँ खिलौना ले रहा है। जो कोई मूवी चल रही है स्क्रैच है भाई, दो बड़े बड़े स्क्रैच हैं। हंड्रेड परसेंट भाई 223 फुल चार्ज के जाएगा क्या भाई? चमकाएगा रुक जाएगा, इसे बोल दो चमका दे वरना हम चमका देंगे फिर। तो कुछ तो करो यार, ऐसे स्क्रैच वाली स्कूटी थोड़ी ले जाएंगे यार, दो स्क्रैच इतने बड़े बड़े। हेलो
मुझे ऐसे ही करा दो, तो मैं इसको खाली करूंगा भाई, मैं बार बार धोना नहीं कर मारता रहूंगा यार। तो अब इसको यहाँ खड़ा करूँ क्या करूँ ये तो बताओ। अब अच्छा लग रहा है यहाँ से स्वप्निल, अब अच्छा लग रहा है, यहाँ से धूप पड़ रही है ना अच्छा लग रहा है, पर कितना भी साफ कर ले साफ होगा नहीं कलर। क्या हुआ ये तो पन्नी है यार, ये ओला डायरेक्टली सेकंड हैंड स्कूटर बना रही है। ये टूल बॉक्स कहाँ है? ये सब फर्स्ट एड भी इसी में अंदर है। देखो ये भी डिफेक्टेड है, पन्नी की निकल रही है इसकी, देखो टटक गई। मेरे को बहन दिल टूट जाता है इन चीज़ों पे। किन चीज़ों पे? मैं अपनी बुलेट ही बढ़िया है। तो खिलौना लोगे तो यही होगा। हाँ भाई गिरा लेगा वो, आप उतारो। अरे वो गिरा लेगा आप उतारो। पासवर्ड तुम्हें पता तो नहीं है? हाँ चोरी कर लेगा क्या है, दूसरा दे देगा भाई। अब सही लग रहा है भाई है? अच्छा लग रहा है। चल भाई पहले गाने चलाएगा। अरे पंडित जी, पंडित जी अब क्या दिक्कत है, पहले गाने चलाएगा भाई। चाबी वाबी देते हुए फोटो नहीं खिंचवाओगे? हेलो ओला। अरे वो बड़ी सी चाबी। हेलो हेलो ओला, चाबी देते हुए फोटो नहीं खिंचवाओगे? अरे वो बड़ी सी चाबी नहीं होती वो, वो बड़ी वाली नहीं देते ना, वो रेड कार्पेट से बीच में देता भाई। हाँ तो तुमने ऐसे पकड़ा दिया था, सर्विस के लिए आए हम। किसी और चीज की है, ऐसी लगा रखा है, थोड़ी देर होता था गायब भी हो जाए। सुन एक राउंड मार पहले, एक राउंड मार। Till I finally prove it, never listen to the nose. Abba, wo wala button daba. No, push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. तुझे स्मार्ट लग रहा है यार। भाई आवाज तो तेज है यार, है ना? चले
मस्त है भाई खिलौना, किसी ने गलत नहीं कहा, लड़के बड़े नहीं होते उनके खिलौने बड़े हो जाते हैं। मैप बता, मैप में क्या लगाना है? तो अगर डिलीवरी की बात करूँ तो डिलीवरी हमने ले ली है। बाय द वे राइट नाउ आई एम ड्राइविंग दिस 2011 होंडा सिटी। एंड अभी घर जा रहे हैं डिलीवरी लेने के बाद। या अगर पूरी अगर डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ ना यार, तो मतलब अपनी उससे बताऊं तो यार मुझे तो सही लगा नहीं। मतलब यार जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था ना हमारा, वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं यार वो इंटरेस्टेड हैं, मतलब कस्टमर को लेके कुछ सीरियस हैं। जब हम गए, स्कूटी भी हमने ही ज़बरदस्ती साफ़ करवाई है। स्कूटी में जैसा अगर आपने देखा तो दो स्क्रैचेस भी थे, वो भी हमने चलो ले लिया, छोड़ो बाद में करवा लेंगे, उसने बोल दिया अब हम देख लेंगे, तो वो भी हमने ऐसी ले ली। और डिलीवरी में मतलब कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इतने एक दो घंटे लगा दिए बेमतलब में, कोई उसमें काम नहीं था, फिर भी उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया डिलीवरी में। एंड अगर वैसे बात करूँ स्कूटी की, तो उन्होंने वो भी हमने बोला कि यार थोड़ा समझा तो दो क्या क्या है, फीचर्स हैं क्या है, तो उसने हमारे बोलने पे थोड़ा बता दिया कि ऐसे ऐसे का इसमें ये फ़ीचर हैं, और मतलब जो भी उसका यूज़ करने का है वो सब उसने हमें समझा दिया। एंड मतलब ओवरऑल यार मुझे तो पसंद आया नहीं यार, जो भी उनका मतलब नया प्रोडक्ट है यार तुम्हारा, मतलब सीरियसली ले ही नहीं रहे, वो कस्टमर को सीरियसली नहीं ले रहे, सारी चीज़ें हमें ही बोलनी पड़ रही हैं यार ये तो करवा दो, ये नहीं किया आपने, और बता दो हमें, समझा दो, स्कूटी हमारी बाहर उतार दो। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब जो बंदा कपड़ा मारता है ना स्कूटी पे, उसने हमें डिलीवरी दी है स्कूटी की, मतलब कोई डिलीवरी बॉय भी नहीं था, मतलब कोई डिलीवरी के लिए स्पेशल जो पर्सन होता है ऐसा ड्यूटी दी जाती है कि आपको डिलीवरी का जो पूरा होती है सेरेमनी वो आपको देखनी है, वहाँ पे कोई ऐसा बंदा ही नहीं था। जिस बंदे ने कपड़ा मारा उसी ने हमें बोल दिया जाओ आप स्कूटी लेके बाहर चले जाओ, कुछ भी नहीं, मतलब यार लगा ही नहीं कि हमने कोई नई स्कूटी खरीदी है। बाकी हो सकेगा तो मैं देखूंगा, मैं एक डीप जो उसका फीचर्स का और स्कूटी का वॉक अराउंड और डीप जो रिव्यू होगा एक बार मैं जरूर दूंगा, स्कूटी का क्या क्या फीचर्स हैं, क्या है स्कूटी है, कितने की पड़ी, कौन सा वेरिएंट है, सब कुछ उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर हो सकेगा तो, कोशिश करूंगा। बाकी हमने विश्वविद्यालय से आगे कोई जगह थी वहाँ से हमने डिलीवरी ली है, जो शोरूम था उसका मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा शोरूम कहाँ पे है उसका। वैसे ओखला में भी है पर हमें वहाँ पे मिल नहीं रहा था, काफ़ी दूर से लिया है हमने, अभी तो वहीं पे जा रहे हैं वापस अपने घर जा रहे हैं, जुलैना साइड जा रहे हैं। तो वो जिसकी स्कूटी थी वो भाई जा चुका है, अपने निकल चुका है, तो उस अभी वहाँ जाके अगर होगा तो मैं एक बार आपको गाड़ी दिखा दूँगा, वो स्कूटी दिखा दूँगा। बाकी इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो यार मुझे नहीं अच्छी लगी इनका जो डिलीवरी का और ये सब जो हैंडल करने का था, कोई बंदा नहीं था वहाँ पे जो हमें अटेंड करे, ज़बरदस्ती हमें पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद ही शोरूम में घुस के अपनी स्कूटी उठा के बाहर ले आए हैं, कोई बंदा नहीं था, ज़बरदस्ती बोल के हमने कपड़ा लगवाया, कपड़े वाले बंदे ने ही हमें बाहर कर दी स्कूटी कि ये आप ले जाओ, कोई डिलीवरी सेरेमनी नहीं कुछ नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब कि हमने कोई नया व्हीकल परचेस किया है। बाकी स्कूटी की अगर बात करूँ तो स्कूटर यार वो मतलब मुझे सीख लगा अच्छा है, अगर कैलकुलेट करा जाए तो आप 10 रुपये में 50 किलोमीटर चल सकते हो, 20 किलोमीटर में 100 किलोमीटर, तो ठीक ठाक मतलब स्कूटर देखने में भी अच्छा है, मैंने चला के देखा अच्छा है, सारे फीचर्स वगैरह मैं एक बार पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन कर ही दूंगा। बाकी अगर यार कोई भी ओला की तरफ से कोई स्टाफ या कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो यार प्लीज़ थोड़ा सुधारो यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हमें, एक नई ऐसा लगा ही नहीं यार नई स्कूटी परचेस करी है हमने, कोई वो नहीं था यार, अपना थोड़ा स्टाफ को समझाओ या स्टाफ और कोई देख रहा है तो यार थोड़ा अच्छे से अटेंड करा करो यार, 1.5-1.5 लाख रुपये बंदा देके कोई चीज़ ले रहा है उसे थोड़ा ऐसा फील तो करवाओ कि वो नई कोई बाइक परचेस कर रहा है। स्क्रैचेस का भी हमने ही बोला कि यार वो स्क्रैच कुछ तो करो, नई स्कूटी लेके जा रहे हैं स्क्रैचेस लगे हुए हैं उसमें आगे दो, तो कह रहे हैं आप दोबारा आ जाना मैं बाद में चेंज करवा दूंगा, यार इतना 1.5-2 घंटे का रास्ता है हम दोबारा आएंगे, हमने उससे बोला हमारे नियरेस्ट ओखला है वहाँ से करवा दो, तो उसने भी कोई मतलब फिर हमने यार छोड़ो यार कौन आएगा बार बार, हमने बस जस्ट ले ली क्या लेके जा रहे हैं, उसमें भी है मतलब ऐसा था कि अगर आपको उतारनी है शोरूम से बाहर तो आप उतार के अपनी स्कूटी ले जाओ, कोई वो नहीं था ढंग से, किसी ने अटेंड नहीं किया, किसी ने पानी तक नहीं पूछा, कोई मतलब हमने जाके बोलना पड़ रहा है हमारी आज स्कूटी थी कौन सी है, हमने अंदर जाके देख रहे हैं तो नंबर प्लेट से पता चल रहा है कि हमारी ये स्कूटी है, वो भी हमने खुद ढूंढी है, खुद ही उसकी पैकिंग उतार के खुद ही अपना मतलब अगर वो लोग शोरूम में कोई नहीं होता नहीं ना तो खुद ही हम अपनी लेके बाहर भी आ जाते, हमें ऐसा कोई उनकी ज़रूरत ही नहीं थी और वहाँ पे कोई हमें अटेंड ही नहीं किया, किसी ने अटेंड ही नहीं किया। बाकी ओवरऑल यही है कि यार सर्विस और सर्विस क्या मतलब जो इनका अटेंड करने का तरीका था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर
सेम टाइम पे प्रोडक्ट मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही प्रोडक्ट, मतलब बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट लगा यार, हर चीज में सही है प्रोडक्ट। बाकी अभी देख के और थोड़ा चला के पता चलेगा। ठीक से बजाओ, लाइट खराब पड़ी है।